हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रेनू फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट अपटेक इन प्लांट इन कंटिन्यूअस टू प्रीवियस क्लास अबाउट ट्रांसपिरेशन. प्लांट न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड देयर एक्सटर्नल सप्लाई. यानी कि प्लांट पार्ट में जो पोषण होता है वो मेनली अध्ययन होता है केमिकल एलिमेंट्स, जो रासायनिक एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो उनके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ, उसके उपापचय और जो उनकी एक्सटर्नल सप्लाई होती है, यानी कि वो कहाँ से उनकी जो सप्लाई कंप्लीट होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं. इन इट्स एब्सेंस द प्लांट इज अनेबल टू कम्प्लीट अ नॉर्मल लाइफ साइकिल. इन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एब्सेंस में प्लांट्स जो होता है अपने एक सामान्य जीवन काल जो होता है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. और दैट द एलिमेंट इज पार्ट ऑफ सम एसेंशियल प्लांट कंस्टिट्यूएंट्स और मेटाबोलाइट्स, और इनमें वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो प्लांट्स के लिए कुछ स्पेशल मेटाबोलाइट्स का काम करते हैं. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद जस्टस वॉन्स लिबिग्स लॉ ऑफ द मिनिमम. और इसको हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं जस्टिन वॉन के द्वारा दिया गया जो लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम है. लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहता है कि अगर किसी पादप के पोषण के लिए या उसकी वृद्धि के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स अगर उसको ज़रूरत होती है, तो वो एलिमेंट जो सबसे कम मात्रा में उसको रिक्वायरमेंट होती है वो उसका जो होता है वो ग्रोथ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है. द टोटल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इंक्लूड 17 डिफरेंट एलिमेंट्स. प्लांट की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो उसके लिए एसेंशियल होते हैं, उनमें 17 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं. कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर. उनमें से जो मैक्सिममली यूटिलाइज होने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो एयर यानी कि वायु के द्वारा प्लांट जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं. वेयर अदर न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन आर टिपिकली ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल. और दूसरा जो मैक्रो एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अधिक पोषक तत्व मात्रा में एब्जॉर्ब किया जाता है वो है नाइट्रोजन, जो कि सॉइल से डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जाता है. प्लांट मस्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर ग्रोइंग मीडियम. यानी कि प्लांट्स को अगर हम किसी ग्रोइंग मीडियम में या नेचुरल एनवायरनमेंट में रखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा मस्ट जो होते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स वो फॉलोइंग हैं जो हम अब आगे बताने जा रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. एंड सेकेंड वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेस मिनरल्स. ये बहुत ही कम मात्रा में भी अगर उपलब्ध हो और कम मात्रा में ही इनकी ज़रूरत होती है, विच इंक्लूड्स आयरन, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, निकेल. दीज एलिमेंट्स स्टे बिनिथ सॉइल एज सॉल्ट. ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉइल के नीचे पाए जाते हैं सॉल्ट यानी लवण की फॉर्म. सो प्लांट्स कंज्यूम दीज एलिमेंट्स एज आयन. प्लांट्स जो होते हैं इन सभी एलिमेंट्स या तत्वों को आयन्स की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं. द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड इन लार्जर क्वांटिटी. जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 95% ऑफ द प्लांट्स एंटायर बायोमास ऑफ ड्राई मैटर वेट बेसिस. यानी कि अगर हम उसकी ड्राई वेट की बात करें प्लांट्स के, तो उनका जो 95% जो प्लांट का पार्ट होता है वो जो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट से बना हुआ होता है, विच इंक्लूड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन क्वांटिटीज मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन. यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है. इनको ppm में मेजर करते हैं. इट्स रेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 200 ppm और लेस देन 0.02% ऑफ ड्राई वेट. यानी कि अगर इनके हम शुष्क भार की बात करें तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स का 0.02% से भी कम जो शुष्क भार होते हैं वो बनाते हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन. प्लांट्स टेक अप एसेंशियल एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स. जैसा कि हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एसेंशियल जितने भी उनके जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से फ्रॉम द एयर थ्रू देयर लीव्स. यानी कि अगर वो सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे तो रूट से एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर वो एयर से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो लीव्स के द्वारा होंगे. न्यूट्रिएंट अपटेक इन द सॉइल इज अचीव्ड बाय कैटायन एक्सचेंज. यानी कि सॉइल जो होती है, मृदा में जो न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है वो कैटायन एक्सचेंज के प्रोसेस के द्वारा होता है. वेयर इज इन रूट हेयर पम्प्स हाइड्रोजन आयन इन टू द सॉइल थ्रू प्रोटोन पम्प. जबकि अगर हम रूट्स यानी जड़ों की बात करें तो रूट पर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोजन आयन को सॉइल में पंप करते हैं, जो कि एक प्रोटॉन पंप जनरेट करता है. द
These hydrogen ions displace cation attached to negatively charged soil particles so that the cation are available for uptake by the roots. ये जो hydrogen ion होते हैं जो root hairs जो होते हैं वो pump करते हैं, ये जो soil के जो negatively charged particles होते हैं उसके साथ में जाकर के bind हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो cations available होते हैं soil में वो root के द्वारा uptake कर लिए जाते हैं. In the leaves, stomata open to take in carbon dioxide and expel oxygen. लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, रंध्र जो होते हैं जिसकी हमने कल डिस्कस किया था क्लास में, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर की तरफ एक्सपेल करते हैं. द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर यूज एज अ कार्बन सोर्स इन फोटोसिंथेसिस. और यह स्टोमेटा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन के सोर्स की तरह यूटिलाइज होती है. There are three fundamental ways by which plant uptake nutrients through the roots. यानी कि जड़ों के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों का ग्रहण होता है या अवशोषण होता है उसको मेनली थ्री फंडामेंटल टाइप्स यानी तीन आधारभूत तरीके होते हैं इसके अवशोषण के लिए. फर्स्ट वन इज सिंपल डिफ्यूजन विच अकर्स व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया फ्लोज अ सर्टेन ग्रेडियंट और क्रिएट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूविंग पैसिवली थ्रू द सेल लिपिड बाइल लेयर मेम्ब्रेन विदाउट द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. यानी कि सिंपल डिफ्यूजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये जो नॉन पोलर जो अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया इसके लिए काम में आता है. इसमें एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जिसके द्वारा जो पादप होता है वो सक्रिय रूप से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइल लेयर होती है उसको क्रॉस करते हुए वो अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत नहीं होती. सेकेंड वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन. इट इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स और आयन फॉलोइंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फैसिलिएटेड बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. यानी कि सिंपल डिफ्यूजन से बस इतना ही डिफरेंट होता है कि प्रोसेसिंग तो कंप्लीट एज कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन ही होती है, लेकिन इसमें हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है, इसीलिए इसको हम फैसिलिएटेड डिफ्यूजन कहते हैं. थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इट इज अपटेक बाय सेल ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. यानी कि यह सक्रिय प्रकार का आयन ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एक सक्रिय ग्रेडियंट क्रिएट होता है आयन्स के द्वारा, और इस प्रक्रिया में चूंकि एटीपी यूटिलाइज होती है इसीलिए हम इसको कहते हैं कि यह सक्रिय प्रकार का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन फ्लो होता है. न्यूट्रिएंट्स कैन बी मूव्ड विद इन प्लांट्स टू वेयर दे आर मोस्ट नीडेड. यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल अ प्लांट विल ट्राई टू सप्लाई मोर न्यूट्रिएंट्स टू इट्स यंगर लीव देन टू इट्स ओल्डर वंस. यानी कि अगर हम एग्जांपल देकर के उदाहरण के साथ बात करें तो प्लांट्स जनरली ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की सप्लाई करता है अपनी जो यंग लीव्स होती हैं जो नई बनी हुई पत्तियाँ होती है उनको एज कम्पेयर टू ओल्डर वंस जो पुरानी पत्तियाँ हैं होती है उनमें कम न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर मोबाइल विद इन द प्लांट सिम्टम्स ऑफ एनी डेफिशिएंसी बिकम अपरेंट फर्स्ट ऑन द ओल्डर लीव्स. अगर प्लांट्स में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है या उसकी किसी और जगह सप्लाई हो जाती है तो इस न्यूट्रिएंट्स की कमी का जो सबसे पहला प्रभाव होता है वो हमें जो पुरानी पत्तियां होती है ओल्डर लीव्स होती हैं उनमें दिखाई देता है. हाउएवर नॉट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली मोबाइल. सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही प्रकार से मोबाइल नहीं होते हैं या गतिमान नहीं होते हैं. नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर मोबाइल न्यूट्रिएंट्स व्हाइल द अदर हैव वेरी डिग्री ऑफ मोबिलिटी. यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी भी मोबिलिटी तो पाई जाती है लेकिन उनकी डिग्री जो होती है वो वैरी करती है. व्हेन अ लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट इज डेफिसिट द यंगर लीव्स सफर बिकॉज द न्यूट्रिएंट डज नॉट मूव अप टू देम बट स्टे इन द ओल्डर लीव्स. जब कभी भी हम किसी कम गतिमान पोषक तत्व की कमी प्लांट्स में पाई जाती है तो उसका जो फर्स्ट इफेक्ट होता है वो यंगर लीव्स यानी कि जो नई बनने वाली पत्तियाँ होती है उनमें जल्दी दिखाई देता है एज कम्पेयर टू ओल्डर वंस, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है वो ओल्डर से यंगर की तरफ हो ही नहीं पाता और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ओल्डर लीव्स में ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. यानी कि ये जो और लघु और देह जो पोषक तत्व होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं प्लांट्स में. ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस लाइक दे मेंटेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल सेट हैव बफरिंग एक्शन शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड एक्ट एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रो
मॉलिक्यूल एंड कोएंजाइम्स, यानी कि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एक पादप में, वो अपने अलग अलग कार्यों को करते हैं, जैसे कि एंजाइम फॉर्मेशन, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का बनना आदि। फंक्शंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स आर एज फॉलोज, उनमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनके फंक्शंस को हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन, इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को इसकी ज़रूरत होती है। इट इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ आयन फ्रॉम द सॉइल, यह मृदा से आयन के रूप में अब्जॉर्व किया जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिवीजन ऑफ सेल, फर्स्टली इसकी जो ज़रूरत होती है वो सेल डिवीजन के लिए होती है। इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, वाइटामिन, हार्मोन्स एक्सेट्रा, और प्रोटीन, वाइटामिन और हार्मोन के बनाने में ये एक बहुत प्रभावी कारक के रूप में कार्य करते हैं। सेकेंड वन इज फॉस्फोरस, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, एंड इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टन इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। फॉस्फोरस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एक आधारभूत भाग होता है, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है उनको करने के लिए भी फॉस्फोरस की जरूरत होती है प्लांट्स में। थर्ड वन इज पोटेशियम, इट इज अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड इन ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ये वो मिनरल है जो प्लांट्स के जो वृद्धि करने वाले पार्ट्स होते हैं उनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो मेनली पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इट हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, ये एंजाइम्स को सक्रिय करने का कार्य भी करते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, सेल्स की जो टर्जिडिटी होती है उसको बनाए रखने के लिए भी पोटेशियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम, इट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका विभाजन और कोशिका के सामान्य कार्यों को प्रतिबाधित करने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय दिस मिनरल्स, यानी कि बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं भी होती हैं जो कैल्शियम के द्वारा मेंटेन रहती है। मैग्नीशियम, इट इज इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एंड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मैग्नीशियम जो होता है वो मुख्यतः उन एंजाइम्स को सक्रिय करने में काम में आता है जो कि श्वसन की क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय काम में आते हैं, और ये डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की जो संरचना होती है उसमें भी एक प्रभावी कारक के रूप में कार्य करता है, और वो राइबोसोम की जो संरचना को मेंटेन रखने का, बनाए रखने का जो काम होता है वो मैग्नीशियम करता है। सल्फर, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एमिनो एसिड्स, कोएंजाइम्स एंड विटामिंस। आयरन, इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स एज कम्पेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि बाकी सभी अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उनकी अनुपात में आयरन की जो जरूरत होती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। इट इज एज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन एंड हेल्प विद द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि प्रोटीन को बनाने के लिए प्रभावी कारक के रूप में कार्य करता है, और ऑल्सो एंजाइम्स जो होते हैं उनको सक्रिय करने का भी कार्य करता है। मैग्नीज, एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा आर एक्टिवेटेड बाय दिस, यानी कि वो सारे एंजाइम्स जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में काम में आते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीज की जरूरत होती है। ये को फैक्टर की तरह काम करता है। इट हेल्प्स इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के समय पानी के जो टूटने की क्रिया होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो मैग्नीज का होता है। जिंक एंड कॉपर, दीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ सर्टन एंजाइम्स, ये भी कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेशन यानी सक्रियण में काम में आते हैं। इंटरस्टीशियल फ्लूइड हेल्प्स इन द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, यानी कि जो इंटरस्टीशियल फ्लूइड पाया जाता है सेल्स की जो नलिकाएं होती है उनके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उस वो जो होती है वो कैल्शियम के अपटैक को और उसके यूटिलाइजेशन यानी कि उसके उपयोग के लिए हेल्पफुल होती है। इट इज फंक्शनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी जो झिल्लियाँ होती हैं उनके कार्य को निष्पादित करने के लिए ज़रूरत होती है। पॉलन ग्रेन्स, सेल इलोंगेशन, जर्मिनेशन एक्सेट्रा, इन सभी में इसकी ज़रूरत होती है। मॉलिब्डेनम इज अ कंपोनेंट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स लाइक नाइट्रोजिनेज, यानी कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जो कंपोनेंट होता है वो मॉलिब्डेनम होता है। क्लोरीन, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड द आयन कैटायन बैलेंस ऑफ द सेल, यानी कि जो सॉल्यूट जो होता है उसकी सांद्रता को बनाए रखने के लिए और आयन और कैटायन का जो बैलेंस होता है उसकी जो साम्यावस्था होती है कोशिकाओं में उसको बनाए रखने के लिए प्लांट्स को क्लोरीन की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। आप ये सारा कंटेंट जो है जो बायजूस की जो लर्निंग क्लासेस होती है माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उस पर भी जाके पढ़ सकते हैं। मैंने ये लाइन आपके लिए पहले से लिख रखी है।
थैंक यू वेरी मच।